रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाई है। अब क्रीमिया में ओएसए एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। ये शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। खास बात, इसे तेजी से मूव किया जा सकता है क्योंकि ये छह पहिए वाले ट्रक पर लोड रहता है। ये ट्रक पानी में जाने में भी सक्षम है, यानी समुद्र में भी कुछ दूरी तक ये उतर सकता है। इसका लॉन्चर हर तरफ घूम सकता है। इसकी मिसाइल न्यूक्लियर हमले को रोकने में भी सक्षम है। टारगेट बचाने ने जाए इसलिए ये एक टारगेट पर दो मिसाइल से प्रहार करता है ताकि टारगेट किसी भी सूरत में ना बचे। किसी भी फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रॉनिक वेव से इसके रडार को जाम नहीं किया जा सकता है। रूस को भी यूक्रेनी रक्षा मंत्री के मिशन की भनक लग चुकी है और तैयारी इधर भी है। क्रीमिया में रडार और एयर डिफेंस का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए दो नए टेम्परेरी स्टेशन बना दिए गए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के डर से ड्रैगन टीथ की दीवार खड़ी कर दी गई है। सफेद पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, कंक्रीट और सरिया के इस्तेमाल से बनने वाले इस स्ट्रक्चर को ड्रैगन टीथ कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर टू के समय से ही इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। ड्रैगन टीथ एक ऐसी लक्ष्मण रेखा तैयार करता है जिसे दुनिया का कोई भी टैंक क्रॉस नहीं कर सकता। जर्मनी से लेपर्ड टैंक देने की मंजूरी मिलने के पहले से ही रूस ने ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बेलारूस की कुछ कंपनियां लगातार रशियन फोर्स को ड्रैगन टीथ की सप्लाई कर रही हैं। अब क्रीमिया में ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं ताकि क्रीमिया में यूक्रेनी फौज किसी भी रास्ते से दाखिल ना हो सके। रूस खेरसोन में नीपर के किनारे यूक्रेन की सेना टैंक और आर्टिलरी के साथ तैनात है। माना यह जा रहा है कि नीपर से ब्लैक सी होते हुए ये फौज क्रीमिया में पहुंचेगी और इसलिए रूस तटों की सुरक्षा भी मुकम्मल कर रहा है। क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही यूक्रेन का नामोनिशान मिटाने की भी तैयारी है। पुतिन ने चेचन लड़ाकों को क्रीमिया के लिए रवाना कर दिया है। पिछले हफ्ते ही चेचन कमांडर से पुतिन की मुलाकात हुई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चेचन कमांडर को पुतिन से मुलाकात के बाद डर्टी बम दिए गए हैं और पुतिन ने मुलाकात में ये निर्देश दिया कि जब क्रीमिया के अस्तित्व पर सवाल आए तो चेचन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन क्रीमिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि परमाणु बम का इस्तेमाल चेचन लड़ाकों से कराने की प्लानिंग है ताकि रूस पर न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का आरोप ना लगे और दुनिया में रूस विलेन ना बने। क्रीमिया को लेकर फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि रुस्तम का प्लान कामयाब होगा या फिर दुनिया रूस के परमाणु कहर का खौफनाक अंजाम देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर में चीन की दादागिरी का एक नया वीडियो सामने आया है। फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारने की कोशिश की गई है। चीनी कोस्ट गार्ड ने जहाज डुबाने की कोशिश की, इसका वीडियो सामने आया है। पहले भी चीन फिलीपींस में टक्कर हो चुकी है और एक बार फिर ऐसी कोशिश की गई चीन द्वारा, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आ चुका है। रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत क्रीमिया में हुई और अब जंग का एपिसेंटर फिर क्रीमिया ही पहुंच चुका है। क्रीमिया के लिए रूस का कवच उसकी ब्लैक सी फ्लीट है और यूक्रेन की चुनौती इस ब्लैक सी फ्लीट को भेदना था। जंग की शुरुआत से ही ब्लैक सी में रूसी नेवी को हराना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जंग की शुरुआत से ही ब्लैक सी में हमलों का सिलसिला नहीं रोका और पिछले दो महीनों में यूक्रेन की सेना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब ब्लैक सी का पूरा गेम ही बदलने लगा है। कैसे, देखिए सुपर प्राइम टाइम की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
500 से ज्यादा वॉरशिप। हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज और कैलिबर पावर, यह है दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली पुतिन की नेवल फोर्स। जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है और इसका मुकाबला हो रहा है दुनिया की 35वीं नंबर की यूक्रेन नेवी से। और इस मुकाबले का एपिसेंटर है ये ब्लैक सी, जहां अभी तक के मुकाबले में यूक्रेन ने बार बार ये साबित किया है कि समंदर में रूस अजय नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है इस दिन यूक्रेन ने रूस की ताकत के प्रति मॉस्कोवा शिप को एक ही धमाके से समंदर में दफन कर दिया। इसके बाद से ब्लैक सी में रूस पर जख्मों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस सेट क्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में एक बार फिर रूसी नेवल फोर्स को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि रूस की ओर से अभी नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तस्वीरों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रूसी नेवी को एक बार फिर करारी चोट लगी है, क्योंकि इस हमले के फौरन बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने खुलासा करने में देरी नहीं की कि अब रूसी सेना ब्लैक सी की जंग हार चुकी है। यूक्रेन ने पिछले 3 महीनों में जिस तरह से ब्लैक सी में रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उससे रूसी सेना की ब्लैक सी फ्लीट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब वो किसी भी मुकाबले के लायक नहीं बची है। भले ही इसका ऐलान करने में वक्त लगे, लेकिन रूसी नेवी ब्लैक सी में हार चुकी है। रूसी सेना अगर ब्लैक सी में हार चुकी है तो ये दुनिया का भूगोल बदलने वाली खबर है, क्योंकि ब्लैक सी में वर्चस्व के कारण ही रूस पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत माना जाता था। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक सी में दबदबे के कारण ही ग्लोबल कारोबार पर भी रूस की मजबूत पकड़ थी। हालांकि ब्रिटेन के दावे को एक तरफा भी माना जा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 4 अगस्त को यूक्रेनी हमले में रूसी लैंडिंग शिप गॉर्नियाक को यूक्रेन ने तबाह किया। फिर 12 सितंबर को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट पर बहुत बड़ा हमला कर 2 वॉरशिप्स को तबाह किया। इसी हमले में 1 रूसी सबमरीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिर 19 सितंबर को यूक्रेन ने 2 और रूसी वॉरशिप्स को नुकसान पहुंचाया। 21 सितंबर को फिर 1 फ्रिगेट को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया। 22 सितंबर को तो यूक्रेन ने रूसी नेवल हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया, जिसमें ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर समेत 35 नेवी अफसरों की मौत हुई। रूस को ये नुकसान तब हुआ जब ब्लैक सी में उसकी नेवी का सबसे ताकतवर हिस्सा मौजूद रहता। जंग शुरू होने के बाद से ब्लैक सी में रूस के 5 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 क्रुएक क्लास शिप, 3 क्रुएक 5 क्लास शिप जिसमें कैलिबर और ऑनिक्स मिसाइल मौजूद है। इसके साथ ही M2M सर्च रिडार वाले फ्रिगेट का एक बेड़ा है। पानी के अंदर 4 किलो क्लास सबमरीन और 3 अटैक सबमरीन मौजूद है और इनका साथ देने के लिए 4 एलिगेटर शिप और 6 एम्फीबियन क्लास फ्रिगेट। ब्लैक सी में रूस की शक्तिशाली सेना को यूक्रेन ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। इसकी वजह है यूक्रेन के 5 ऐसे हथियार जिनका तोड़ रूस पिछले 1 साल से नहीं निकाल सका है। इसमें पहला हथियार है नेपच्यून मिसाइल। इसके साथ ही हार्पून और स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूसी नेवल फ्लीट को बुरी तरह से पस्त किया है। स्वार्म ड्रोन भी रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन से हो रहा है। सी बेबी ड्रोन कैसे शक्तिशाली नेवल फोर्स को तबाह कर रहा है, क्या आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं? कर्च ब्रिज पर यह विस्फोट सी बेबी ड्रोन से ही किया गया है। यह ड्रोन पानी के ऊपर भी तैर सकता है और पानी के नीचे भी गोते लगाते हुए टारगेट तक पहुंच जाता है। 450 किलो तक विस्फोटक लेकर ये ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इसके बाद ड्रोन में विस्फोट होता है और इससे निकले घातक बारूदी शैल टारगेट को ध्वस्त करते हैं। इसी की मदद से यूक्रेन सेना रूस के 2 सबसे बड़े जहाज मॉस्कोवा और मकारोव को ध्वस्त कर चुकी है।
जिससे रूसी बेड़े को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर रूस का दबदबा ब्लैक सी में कम हुआ तो दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। युद्ध में अरबों डॉलर खर्च होते हैं, वहीं यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, लेकिन जहां पैसा होता है वहां लालच भी होता है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि ग्लोरी टू यूक्रेन का नारा देने वाले कीव के लीडर्स ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। रूस को हराने से ज्यादा कीव के नेताओं का फोकस जेब भरने पर रहा है, इसीलिए यूरोप के देश अब यूक्रेन को मदद देने से हाथ खींच रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में जुटा हुआ है। यूक्रेन के टैंक से एक गोला चला और 3,32,000 रुपए भस्म हो गए। राइफल की एक मैगजीन खाली हुई और 3,000 रुपए का बारूद दाग दिया गया। एक दिन में ही यूक्रेन कई टन गोला बारूद जंग में परसा रहा है। केवल परंपरागत हथियारों की बात की जाए तो रोजाना 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोला बारूद यूक्रेन युद्ध में परसा रहा है। इसके अलावा तोप, सैन्य वाहन और मिसाइल्स, ये छोटा सा नमूना ये समझने के लिए काफी है कि यूक्रेन को कितनी बड़ी आर्थिक सहायता अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में धन आ रहा है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी इतनी बड़ी नहीं रही। युद्ध से पहले यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ डॉलर की थी, अब तक यूक्रेन को युद्ध में 55,000 करोड़ डॉलर की मदद मिल चुकी है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि इतनी बड़ी रकम और जेब भरने का इतना सुनहरा मौका देखकर यूक्रेन के नेताओं का ईमान डोल गया। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को मदद देने पर इंटीग्रेटेड कंट्री स्टडी नाम की रिपोर्ट तैयार की। 22 पेज की इस रिपोर्ट में भविष्य की योजनाएं लिखी गई। इसके साथ ही एक शीर्षक बनाया गया, यूक्रेन में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार। इस शीर्षक के नीचे लिखा गया है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार अमेरिकी मिशन के लिए घातक है। भ्रष्टाचार के चलते यूरोपीय देश मदद देने से पीछे हट सकते हैं। अमेरिकी सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको को मिला है। यानी अमेरिका भी मानता है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर छिपाने की कोशिश हो रही है। ये तब कहा जा रहा है जब यूक्रेन की सत्ता में अमेरिका ने बड़ा उलटफेर किया है। किसी भी युद्ध की नीति बनाने में रक्षा मंत्रालय का अहम रोल होता है। 4 सितंबर को ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इशारे पर अपने रक्षा मंत्री एलेक्सी रेज़निकोव को पद से हटाया था। रेज़निकोव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। आरोप था कि यूरोपीय देशों और अमेरिका से मिलने वाली मदद से यूक्रेन के रक्षा मंत्री अपनी जेब भर रहे थे। अमेरिका और रूस को हराने के अपने मकसद के लिए भले ही यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला देने वाली मदद का यूक्रेन सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसीलिए यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को मदद देने से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ब्रिटेन से यूक्रेन को मदद बढ़ाने की अपील की थी। बाइडेन चाहते थे कि ब्रिटेन यूक्रेन को 20,000 करोड़ रुपए की मदद दे। ब्रिटेन ने मदद से हाथ पीछे खींच लिया। ब्रिटेन ने कहा कि अपनी क्षमता से ज्यादा यूक्रेन को मदद दी जा चुकी है। अब ब्रिटेन के पास आत्मरक्षा के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं बचे हैं।
यानी जंग में सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को अपने भ्रष्टाचार से ही लगने वाला है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन अगले साल 4,300 करोड़ डॉलर की मदद मांग रहा है। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल डिफेंस फोरम की कीव में मीटिंग हुई। मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के देशों ने यूक्रेन को झटका दिया। ईयू के देशों ने साफ कहा कि यूक्रेन को अब मदद दी गई तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई घटती जा रही है और हालत यह है कि अब यूक्रेन के पास केवल 8 हफ्ते का गोला बारूद बाकी बचा है। यह 8 हफ्ते का गोला बारूद भी हमलों के लिए नहीं बल्कि रूसी एडवांस को रोकने के लिए है। यूक्रेन की हालत खराब होती देखकर 3 अक्टूबर को बाइडेन ने सहयोगी देशों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन को मदद बढ़ाने पर चर्चा हुई, लेकिन सहयोगी देशों ने यूक्रेन के भ्रष्टाचार और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मदद में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। युद्ध से दूर हो चुकी वैगनर सेना की जल्द वापसी तय हो गई है। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद इस फोर्स में नेतृत्व करने वालों की तलाश चल रही है। अब पुतिन ने फैसला कर दिया है और वैगनर फोर्स की कमान प्रिगोजिन के बेटे को सौंप दी गई है। 25 साल का नौजवान जब इस फोर्स का लीडर होगा और उसी के नेतृत्व में वैगनर फोर्स दोबारा यूक्रेन में अपना मिशन शुरू करेगी। चेहरा बदलेगा, तजुर्बा भी अलग होगा, लेकिन नहीं बदलने वाला है वो अंदाज जिसकी दहशत यूक्रेनी फोर्स में कायम है। प्रिगोजिन के बाद कौन, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। येवगेनी प्रिगोजिन की विरासत को कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा संभालेगा। नाम पावेल प्रिगोजिन। राष्ट्रपति पुतिन ने भी वैगनर कमांडर्स के साथ मुलाकात करके पावेल प्रिगोजिन के नाम पर मोहर लगा दी। पावेल प्रिगोजिन की उम्र 25 साल है। पिता ने पूरी संपत्ति पावेल के नाम की है। पावेल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। पावेल की ट्रेनिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं है। पुतिन ने पिछले दिनों क्रेमलिन में वैगनर फोर्स के पूर्व कमांडर एंड्री ट्रिकोशेव से मुलाकात की थी। पुतिन ने वैगनर फोर्स की कमान पावेल को सौंपने के साथ ही वैगनर फोर्स का अगला मिशन भी फिक्स कर दिया है। वैगनर फोर्स अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहला ग्रुप रक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ा है, दूसरा ग्रुप अलग अलग देशों में मौजूद है। रूस की रक्षा मंत्रालय के साथ एग्रीमेंट पर साइन करने वाले वैगनर लड़ाके अफ्रीका से रूस लौट रहे हैं और जल्द ही उन्हें यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर कब्जे के लिए भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले वैगनर सीधे सरकार का ऑर्डर मानेंगे। बाकी की वैगनर फोर्स के लड़ाके प्रिगोजिन के बेटे पावेल की देखरेख में काम करेंगे। पावेल उसी तरह से इस फोर्स को कमांड करेंगे जैसे उनके पिता किया करते थे, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से माना जा रहा है कि पावेल वही करेंगे जो पुतिन कहेंगे। यानी एक बार फिर वैगनर फोर्स की पूरी कमान पुतिन के हाथों में आ चुकी है। वैगनर लड़ाके अफ्रीका, लीबिया, माली से लौटेंगे। पावेल सभी वैगनर लड़ाकों से संपर्क करने वाले हैं। पावेल के आदेश पर ही वैगनर फोर्स की तैनाती होगी। माना जा रहा है कि वैगनर फोर्स को एक बार फिर बाखमुत की तरफ भेजा जा सकता है। यहां अवदेवका पर पूरी तरह कब्जा करना वैगनर फोर्स का पहला मिशन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।
इटली के सार्डिनिया से एक भयानक कार हादसे की तस्वीर सामने आई है। इस हादसे में दो सुपरकार्स के बीच टक्कर हुई और स्वीडन के एक कपल की मौत हो गई। एक सुपरकार में स्वदेश फिल्म की स्टार गायत्री अपने पति के साथ मौजूद थी। पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि गायत्री और उनके पति की जान बाल बाल बची है। इटली के सार्डिनिया सड़क पर एक कार जा रही है और उसके आगे एक ट्रक चल रहा है। डैशकैम में तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही हैं। तभी एक पीले रंग की सुपरकार ओवरटेक करती है। इसके बाद दो और सुपरकार डैशकैम वाली कार को ओवरटेक करके ट्रक के पीछे चलने लगती है। नीले रंग के जिस चौथी सुपरकार ने ओवरटेक किया इसमें स्वदेश फिल्म की हीरोइन गायत्री जोशी अपने पति के साथ हैं। नीले रंग की सुपरकार लंबोर्गिनी ट्रक के पीछे चलने लगती है। तभी डैश कैम वाली कार को एक और लाल रंग की फरारी सुपरकार ओवरटेक करती है। यह कार गायत्री जोशी की लंबोर्गिनी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है और तभी होता है भयानक हादसा। इस टक्कर के बाद गायत्री की कार ट्रक से टकरा कर सड़क के नीचे गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक लाल रंग की सुपर कार में आग लग गई। आग लगने से लाल कार में सवार स्वीडन के कपल की मौत हो गई। स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली गायत्री जोशी अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ इटली घूमने गई थी। तभी सार्डिनिया में ये कार हादसा हुआ जिसमें भारत के स्टार और उनके पति की जान बाल बाल बची। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो क्रीमिया से आ रही है। क्रीमिया से सबसे विध्वंसक खबर इस वक्त सामने आई है। क्रीमिया पर यूक्रेन का गुरिल्ला हमला देखने को मिला है। क्रीमिया में यूक्रेन की जीओआ फोर्स की घुसपैठ देखने को मिली है। रबर बोट से क्रीमिया पहुंचे यूक्रेनी सैनिक ऐसी जानकारी मिल रही है। रूसी सैन्य ठिकानों पर हो सकते हैं हमले ये जानकारी भी दी जा रही है। तो रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। यूक्रेन ने जारी की है क्रीमिया की तस्वीर। तस्वीरों में दिखे जीओआ फोर्स के सैनिक। क्रीमिया की धरती पर पहुंचे हैं ये यूक्रेनी सैनिक। रूस के सैन्य मोर्चे पर हमले की खबर सामने आई है। यूक्रेन की ब्रदरहुड बटालियन ने हमला किया है और उसके बाद इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। रूस और अमेरिका इन दोनों देशों में 4 अक्टूबर एटमी जंग की तैयारी का दिन बन गया। पूरे रूस में इमरजेंसी अलर्ट सायरन बजाए गए। यही एक्सरसाइज अमेरिका में भी हुई। दो महाशक्ति महाविनाशक हमले करने और उन्हें रोकने के युद्धाभ्यास में जुट गई हैं। ये महाविनाश का संकेत माना जा रहा है। ये उस अंतिम युद्ध में प्रवेश है जिसकी तैयारी नेटो 14 साल से कर रहा था। 7 अक्टूबर को महाविनाश का अंतिम चरण शुरू हो सकता है क्योंकि रूस अपनी सबसे विनाशक मिसाइल का टेस्ट इसी दिन करने वाला है और अमेरिका भी अपनी एटमी मिसाइल के परीक्षण का ऐलान कर चुका है। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा कितना बढ़ चुका है ये इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। युद्ध का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फेज शुरू हो चुका है। दो तरफा यानी रूस और अमेरिकी मोर्चे पर तैयारी पूरी हो चुकी है। आशंका है कि 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन आर्मागेडन यानी कि महाविध्वंसक युद्ध की शुरुआत का दिन बन सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनियां दी है। पश्चिमी खेमे को बार बार याद दिलाया कि यूक्रेन को बढ़ावा देने का मतलब परमाणु शक्ति रूस को भड़काना है। अब रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमले की तैयारी के अंतिम चरण में।
3 अक्टूबर से रूस में सबसे बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ऐसे हालात तैयार किए गए हैं कि जैसे परमाणु हमले के बाद होता है, रूसी सेना 70% जनता को रेडिएशन के चपेट में मानकर प्रतिरोधी हमलों का अभ्यास कर रही है। ये माना गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर परमाणु हमला कर चुके हैं। ऐसे हालात में अमेरिका और सहयोगी देशों को परमाणु जवाब कैसे दिया जाएगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करेंगी, इसकी तैयारी की जा रही है। रूस की न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि तीनों परमाणु सेनाएं युद्धाभ्यास में शामिल हैं। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों की स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर फोर्सेस युद्धाभ्यास में शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार कर अभ्यास कर रहे हैं। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड करके हमला करने की प्रैक्टिस की जा रही है। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात है। यहां दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास किया जा रहा है। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात है और यहां से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जा रही हैं। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जा रही है। रूस के टीयू न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास कर रहे हैं। रूस की एयरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सरमट मिसाइल से लंबी दूरी के हमले का अभ्यास कर रही है। सरमट के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल है। युद्धाभ्यास के साथ साथ रूस में एटमी हमले के अलर्ट सायरन बज रहे हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सायरन बजाकर जनता को अलर्ट किया जा रहा है। वोल्गा, बेलगोरोड, मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक रूस में सायरन गूंज रहे हैं। जनता को संदेश दिया जा रहा है कि अगर परमाणु हमला होता है तो इस तरह के सायरन बजेंगे और जनता को तुरंत रेडिएशन से बचने वाली गाइडलाइन के मुताबिक चलना होगा। रूस ये मानकर चल रहा है कि उसकी जमीन पर न्यूक्लियर हमला हो चुका है, जनता को अलर्ट किया जा रहा है। अमेरिका में परमाणु हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जा रहे हैं। रूस और अमेरिका में सायरन बजाकर मोबाइल, टीवी और रेडियो पर चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं। रूस ने युद्ध की सबसे विनाशक तैयारी कर ली है, लेकिन असली खतरा पुतिन का सीक्रेट हथियार जो युद्ध के मैदान में 7 अक्टूबर को आने वाला है। इस रहस्यमय मिसाइल को कहा जाता है फ्लाइंग चेर्नोबिल। रूस की इस नॉनस्टॉप क्रूज मिसाइल का नाम बुरेवेस्निक है। इसका रूसी कोडनेम है फ्लाइंग चेर्नोबिल। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज अंतहीन मानी है, यानी धरती पर कहीं भी ये हमला कर सकती है। इस मिसाइल की ताकत है कि ये धरती के कई चक्कर लगा सकती है, लगातार कई साल तक उड़ान भर सकती है। इसकी वजह यह है कि ये मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है। मिसाइल के अंदर ही ऊर्जा पैदा करने वाला परमाणु रिएक्टर भी लगा है। ये एक क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से सतह के बहुत करीब उड़ती है। क्रूज होने की वजह से अभेद्य है। धरती के सभी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने फेल हैं। खास बात यह है कि मिसाइल परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। नेटो ने इसे कोड नेम दिया है स्काईफॉल। रूस की इस मिसाइल पर लंबे समय से परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इसका अंतिम और सफल परीक्षण हो सकता है।
इस परीक्षण के लिए रूस के सबसे पुराने परमाणु परीक्षण केंद्र नोवाया जेमेलिया को चुना गया है। 21 सितंबर 1955 से 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया जेमेलिया साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। इस मिसाइल से अगर हमला होता है तो धरती पर अब तक इजाद किया गया कोई भी डिफेंस सिस्टम इससे रोक नहीं पाएगा। पूरी वेस्टनिक मिसाइल के 13 परीक्षण पहले हो चुके हैं। रूस के न्योनोस्का बेस पर इसके परीक्षण में एक दुर्घटना हो चुकी है। मिसाइल फटने से रूस के 5 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। अब इसके सफल परीक्षण की तैयारी है। रूस ने कहा कि परमाणु परीक्षण पर कोई स्थायी रोक नहीं लगाई गई है। संकेत साफ है कि रूस सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। यूरोप में सेना जंग के लिए तैयार है और अमेरिका ब्रिटेन पर हमले के लिए परमाणु मिसाइलें। यूरोप के मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए रूस ने लगभग 3 लाख सैनिकों को तैयार कर रखा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सितंबर महीने में ही 50,000 सैनिकों की भर्ती की गई है। जंग अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये बात अमेरिका भी समझ चुका है। इसलिए बाइडेन भी एक परमाणु क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। अमेरिका अपनी AGM-181A LSRO यानी कि लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यह अमेरिका के फ्यूचर वेपन का प्रोटोटाइप है। अब से पहले मिसाइल के 9 फ्लाइट टेस्ट हो चुके हैं। इस बार मिसाइल में W804 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाएगा। मिसाइल का परीक्षण प्रोटोटाइप परमाणु हथियार के साथ होने वाला है। रूस और अमेरिका में इमरजेंसी अलर्ट बज रहे हैं। एटमी ड्रिल हो रही है। ये महाविनाश का सबसे डरावना संकेत है। जो हो रहा है वो इतिहास में नहीं हुआ। इसलिए माना जा रहा है कि धरती की विध्वंस की फाइल कभी भी खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से खबर आ रही है सोलेदर से। सोलेदर पर रूस ने बड़ा हमला किया है। FAB-1500 बॉम्ब से बड़ा हमला किया गया। यूक्रेनी सेना का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। यूक्रेन के कई अधिकारियों की मौत हुई है। धमाके से बड़े इलाके में तबाही हुई है। रूस यूक्रेन दोनों के लिए अब हर नया दिन बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखा चुके हैं कि क्रीमिया पर विजय के लिए यूक्रेन 7 या 8 अक्टूबर को बड़ा हमला कर सकता है। क्रीमिया पर हमले की नई सीरीज की शुरुआत मंगलवार से ही कर दी गई है। यूक्रेन ने क्रीमिया को नेपच्यून मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा। दूसरी तरफ रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा को दोगुना कर दिया है। बस 3 दिन, क्या क्रीमिया को खो देंगे पुतिन? बस 3 दिन, पुतिन को मिलेगा जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म। क्योंकि अब यूक्रेन सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि उस पुतिन की शान को मिट्टी में मिलाने वाला हमला करने वाला है। यूक्रेन पुतिन के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला है और ज़ेलेंस्की के क्रीमिया में टहलने के सपने को सच करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ने वाला है। यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया का ट्रेलर पिछले महीने दुनिया देख चुकी है। अब अगले 3 दिन क्या होने वाला है उसी का टीजर देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले के लिए नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
क्रीमिया को टारगेट करके यूक्रेन से कई नेपच्यून मिसाइलें दागी गई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल को गिरा दिया गया। हवा में नष्ट होने के बाद मिसाइल का मलबा ब्लैक सी में गिरा। हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात 8:30 पर हुआ। मिसाइल के अलावा यूक्रेन से सेवास्तोपोल पर ड्रोन हमले की कोशिश भी हुई। यूक्रेन ने कई बार अपने घातक ड्रोन से क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की, लेकिन अब रूस कोई गलती नहीं कर रहा और यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन का मलबा सेवास्तोपोल के कई अपार्टमेंट्स पर गिरा है। ड्रोन से निकला विस्फोटक कई जगहों पर फैल गया है। विस्फोटक को हटाना अब रशियन एजेंसी के लिए चुनौती है। क्रीमिया की पहरेदारी कर रही रूसी सेना मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम करने में जुटी थी, तो वहीं यूक्रेन के कई कमांडो दबे पांव समंदर के रास्ते क्रीमिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। टीवी 9 के सुपर प्राइम टाइम में हमने आपको दिखाया था कि अगस्त के महीने में कैसे यूक्रेन की सीक्रेट टीम ने क्रीमिया में घुसने की कोशिश की थी। इस बार भी वही तरीका अपनाया गया। इस बार भी यूक्रेन के कुछ तेज तर्रार कमांडो मिलिट्री बोट और जेट स्की पर सवार थे। हो सकता है कि वही टीम हो जो अगस्त में क्रीमिया तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एरोस्पेस फोर्स ने इस साजिश को नाकाम किया। 4 अक्टूबर को कुछ यूक्रेनी कमांडो क्रीमिया के करीब तक पहुंच गए थे। क्रीमिया के केप तारखानकुट में घुसने की कोशिश को रूस ने नाकाम कर दिया। कमांडो क्रीमिया में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आए थे। अगस्त में जिस तरह से यूक्रेन के सीक्रेट टीम को समंदर के रास्ते वापस भागना पड़ा था, इस बार भी वैसा ही हुआ। रूस ने किसी भी यूक्रेनी कमांडो को मारने का दावा नहीं किया। टीवी 9 भारतवर्ष के सुपर प्राइम टाइम शो में हमने आपको दिखाया था कि 7 अक्टूबर यानी पुतिन के जन्मदिन के दिन ही यूक्रेन क्रीमिया पर फाइनल अटैक कर सकता है।